हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर ई क्लास। आई एम दीपक कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो पार्ट थ्री पढ़ा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के करे थे और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को समझे थे। मैंने हालांकि इसमें आपको बताया था कि आपको जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला है, खास करके 2θ 3θ वाला फार्मूला, इसको आप लोग याद कर लेंगे, एक बार रिविजन कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। चलिए आज देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। तो कल हम लोगों ने ये वाला पार्ट था, मैं एक दूसरे स्लाइड में इस क्वेश्चन को रख देता हूँ। चलिए, तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल यहाँ तक किया था, इसमें दो क्वेश्चन हमारे पास था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों को समझा देता हूँ जिसको कैसे करना है। क्वेश्चन है 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे ये ब्रैकेट से, 2 sin inverse 1/2 से, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 10 inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ सोचिए जो साइन का कौन सा एंगल है जो 1/2 होता है -π/2 से π/2 के बीच में। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, साइन का उस कौन सा एंगल 1/2 हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन हमको मालूम है जो 30 डिग्री 1/2 होता है और ये -90 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। 30 डिग्री बोलिए या π/6 बोलिए, तो π/6, तो इसका आंसर तो यहाँ से यहाँ तक का मालूम चल गया कि ये π/6 है। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो 10 inverse 2 cos 2π/6 कैंसिल आउट करके हमने इसको π/3 बना दिया, ठीक है। अब है 2 cos π/3, 10 इनवर्स 2 को रहने दीजिए, cos π/3, cos π/3 क्या होता है 1/2, cos π/3 तो 1/2 ही होता है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व होने के बाद आया ये 10 inverse 1। अब बताइए 10 inverse 1 क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 10 इनवर्स का, वो क्या होता है -π/2 से π/2। तो इस चीज़ों को नहीं भूलना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10 inverse 1, 10 का कौन सा एंगल 1 होता है -π/2 से π/2 के बीच में, π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया π/4 इस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है 10 1/2, इसको मैं हटा दूं, 10 1/2 sin inverse 2x / 1 x² + cos inverse 1 - y² / 1 + y². अच्छा, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला हो और ये भी एक फॉर्मूला है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में एक बार आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। ये कुछ साइन 2θ से रिलेटेड फॉर्मूला लगता है। चलिए एक स्लाइड लेके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10 1/2 है, मैंने इनवर्स लगा दिया, 10 1/2 sin inverse 2x, 10 1/2 sin inverse 2x / 1 + x² + cos inverse 1 - y² / 1 + y², ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखूंगा इस चीज़ों को आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए बाहर 10 है तो अंदर ही 10 आएगा, ठीक है, बाहर अगर 10 है तो अंदर भी 10 आएगा, ये तो कन्फर्म है।
तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ ध्यान आ रहा है टेन के फॉर्म में, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसी तरह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये है साइन थीटा का फॉर्मूला और ये है कॉस थीटा का फॉर्मूला। अगर ये चीजें आपको याद हो जाए साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सीधा एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे इस वाले केस में, और इस वाले केस में वाई को कुछ भी फाइव पुट कर लीजिए, टेन फाइव पुट कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब मैं पुट करता हूँ एक्स बिला, एक्स को हम रिप्लेस करते हैं टेन थीटा से और वाई को रिप्लेस करते हैं टेन फाइव से या टेन वाई से कुछ भी। तो एक नया स्लाइड में लेता हूँ। तो हमने एक्स को रिप्लेस किया टेन थीटा से और y को रिप्लेस किया tan phi है। तो अब जो हमारा एक्सप्रेशन बना tan 1 by 2 sin इनवर्स sin 2 थीटा और प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये कैंसिल होके बन जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 में अच्छा 1 बाय 2 भी है तो ये 2 कॉमन आएगा और बाहर 1 बाय 2 है तो कैंसिल आउट। टेन इनवर्स थीटा को हमने बोला टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स नहीं टेन इनवर्स थीटा, ये तो बनेगा थीटा, टेन इनवर्स एक्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स और फाइव बन जाएगा टेन इनवर्स वाई। अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला किसको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब जो हमारा ये बनेगा tan बाहर है अंदर हो जाएगा ये tan इनवर्स प्लस है तो x प्लस y ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स वाई, बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बैठना बैठा है कुछ सोचना ही नहीं है सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये है हमारा आंसर। एक एक स्टेप को आप लोग समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले x को रिप्लेस किया tan थीटा से, y को रिप्लेस किया tan phi से, इसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया sin 2 थीटा का जो होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये लास्टली हमने इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग और कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 क्या होगा। अगर यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा होता साइन साइन इनवर्स 2 पाई अपॉन 3 ऐसा लिखा होता तो क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम होता, एक में बाहर है साइन इनवर्स एक में अंदर के साइड है साइन इनवर्स। अगर आप लोग का आंसर है हाँ ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है तो ये आंसर गलत है। अगर बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है, साइन का डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है कुछ भी हो सकता है, जबकि इनवर्स अगर है तो उसका डोमेन फिक्स है जो माइनस वन से वन ही होगा। इसका अगर इस ये क्वेश्चन होता तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते 2 पाई अपॉन 3 और ये आंसर सही माना जाता। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है तो इसको कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा और 2 पाई अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन बाहर है इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसको ले जाइए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 2 पाई बाई 3। तो हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब ये 2 पाई अपॉन 3
इसको ले जाना है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप, टू पाई पाई बाय थ्री पाई के जगह अगर 180 रखते हैं तो ये कितना आएगा, थ्री से 120 डिग्री। 120 डिग्री कहीं यहाँ बैठा होगा, जबकि आपको यहाँ से यहाँ के इसके बीच में आना चाहिए अपना आंसर 120 डिग्री स्क्वायर रेट में। तो अगर मैं इसको पाई से माइनस कर देता हूँ तो हमको मालूम है साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए इसको मैं पाई से माइनस कर देता हूँ, साइन पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री, ये बन गया साइन इनवर्स साइन यहाँ थ्री पाई बाई थ्री। अभी आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे पाई अपॉन थ्री। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसे कैंसिल आउट कर देते हैं इसे करके इसको, तो ये काम मत करें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये काम आप लोग ना करें। ये पाई बाई थ्री और ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। वैल्यू फाइंड करने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, बस आपको क्या करना है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसमें ले जाए। अगर बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बैठा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब प्रिंसिपल वैल्यू में ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख लें जो भी एंगल होगा। अदरवाइज अगर बाहर इनवर्स बैठा है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, ये आप लोग कर लेंगे, आसान है। अच्छा, साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव कॉट इनवर्स थ्री बाई टू, यहाँ मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। टेन साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव कॉट इनवर्स थ्री बाई, यहाँ एक कंसेप्ट आप लोग को मैं सिखाता हूँ। टेन क्या था, हाँ साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाय। अब ध्यान देना है, बाहर तो टेन बैठा है तो अंदर टेन इनवर्स आएगा, लेकिन एक जगह है साइन एक जगह है कॉट। सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, जब इस तरह के चीज़ों को सॉल्व करना, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जंप करना हो, तो आप बनाइए एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा का मतलब है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर है परपेंडिकुलर, नीचे है हाइपोटेन्यूज, ये हमने थ्री लिया, ये लिया फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ये सॉल्व होके आ जाएगा फोर, ठीक है। तो अब अपने को पी भी मालूम है, बी भी मालूम है, एच भी मालूम है, अब इसको बस साइन को टेन बनाना है और कॉट को भी, इसके लिए हम लोग बना लेंगे। ये क्या बनेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये बन जाएगा टेन, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर प्लस कॉट है तो प्रॉब्लमेटिक है नहीं, डायरेक्ट इसको टू बाई थ्री लिख दें, टेन इनवर्स टू बाई थ्री, बस इसको आप टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी आ गया, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी, फॉर्मूला मालूम है ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस ए बी, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस ए बी। इससे आप लोग सॉल्व करेंगे ऐसा, हाँ बाहर टेन है, सॉरी टेन इनवर्स मैंने लिख दिया, बाहर टेन है अंदर टेन इनवर्स है, तो ये सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कहते हो मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व ये क्वेश्चन, इसको भी कि हमको एक न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी। ए के जगह है अपना थ्री बाई फोर और बी के जगह है टू बाई थ्री। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो टेन टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाय वन माइनस ए बी, ठीक है। टेन और टेन इनवर्स है तो इसको ख़त्म ही करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऊपर नाइन प्लस एट सेवेंटीन अपॉन ट्वेल्व, और ये आ जाएगा ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स अपॉन ट्वेल्व, तो आंसर हो गया ओवरऑल, ये सिक्स था ना, ओवरऑल आंसर आ गया सेवेंटीन अपॉन सिक्स, ठीक है, ये आ गया आंसर। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना,
कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती, बाकी अभी सही लग रहा है। ये हो गया अपना आंसर, ये 12 से 12 कैंसिल आउट, 17/6 आंसर। चलिए देखते हैं इसके बाद का कोई क्वेश्चन। ये हो गया, ये आप लोग कर लेंगे 7π। कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। तो 7π/6 को 0 से पाई के बीच आप लोग लाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये भी कर लेंगे। उसके बाद sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्या आता है? sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब यहाँ ध्यान देंगे माइनस हाफ, साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन का कौन सा एंगल है जहां पे साइन थीटा -1/2 हो जाता है। ध्यान बस ये रखना, ये -π/2 से π/2 होना चाहिए। हमको मालूम है साइन -π/6 पे ही ये होगा, -π/6 पे। तो ठीक है, sin π/3 माइनस, और ये हो जाएगा -π/6। तो आंसर आया sin π/3 +π/6। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बन गया साइन, ये बन जाएगा 2π + 1π, 3π/6 मतलब π/2, 3π/6 मतलब π/2, sin π/2 होता है 1। अपना आंसर हो गया 1, चेक कर लीजिए कहाँ पे 1 है, ये डी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह tan इनवर्स √3 है, cot इनवर्स -√3 है। तो tan इनवर्स √3 कहाँ से कहाँ जाएगा? -π/2 से π/2 के बीच में एंगल बताइए, तो 5/6 पे होगा, सॉरी π/3 पे होगा। 0 से पाई के बीच में ये cot कहाँ पे नेगेटिव होगा? √3 आएगा, -√3 कहाँ पे आएगा? तो अगर cot √3 होता है एक्चुअली, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, क्योंकि नेगेटिव चाहिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने को जाना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π - π/6। तो बस इसको π - π/6 कर लीजिए, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक छोटा सा चैप्टर था जिसके हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले उसको मैंने सॉल्व करके दिया आप लोगों को। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, खास करके जो ग्राफ वाला पोर्शन है उसको प्रैक्टिस करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्राफ अगर एक बार आपके दिमाग में उसका इमेज बन गया, जो ग्राफ होता कैसा है, क्या किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, किसका डोमेन क्या है, ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में छप गई, आँख बंद करते ही आपके सामने वो पिक्चर आ रही है कि किसका ग्राफ कैसा होगा, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो दो चीज़ें मैंने बताया, अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ चूज किया जाए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई एक चीज़ पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं बताऊँगा प्रिंसिपल वैल्यू के वो चार्ट आप रख जाइए, ठीक। और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, कम से कम 6-7 फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करें, बोर्ड लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। खास करके इसका उपयोग डिफरेंशिएशन में आएगा, इसका उपयोग हम लोग आगे इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, तो इसको आप लोग जरा सीरियसली लें और इसको पढ़ें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।